अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ राहिल खालिद। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया था, उसको सॉल्व किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स को याद रखना है स्टूडेंट। उन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए, उनकी पॉइंट्स को, उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। वो पॉइंट्स क्या आपके सामने लिखे हुए, 1 + ω + ω² = 0 √3 √ का जिसम है वो आपके पास 0 के इक्वल है। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 इस साइड पे अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो ये फार्मूला बन जाता है 1 + ω माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है 1 + ω² माइनस ओमेगा के इक्वल। इसी तरह से ओमेगा की वैल्यू की आपके पास 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है आपके मल्टीप्लाई 2 ओमेगा की वैल्यू आ जाती है, ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू है 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। तो मीन सेट ये दोनों आपस में इक्वल है और ओमेगा क्यूब स्टूडेंट हमारे पास 1 के इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट हमारे पास है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, 1 माइनस इन दोनों में से स्टूडेंट हम लोग माइनस कॉमन करेंगे, रिमेनिंग क्या बच जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। 1 माइनस स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल स्टूडेंट आप लोगों के पास माइनस 1 के होल पावर 7। ये साथ में आप लोग लिख भी सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। 1 स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस स्टूडेंट 1 आपके पास होल पावर 7। तो स्टूडेंट यहां से हम लोगों के पास 2 की पावर 7 आ जाता है, 2 की पावर 7 स्टूडेंट आपके पास 128 के इक्वल रहता है और यही हमारा क्या आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखेंगे आप लोग, जी स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, वन माइनस थ्री ओमेगा माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर होल पावर स्टूडेंट आपके पास क्या है 5। जी स्टूडेंट यहां से देखेंगे 1 माइनस 3 इन दोनों से स्टूडेंट कॉमन है वो आप लोग कॉमन कर लें, रिमेनिंग क्या रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर स्टूडेंट आपके पास 5। 1 माइनस 3 स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपके पास स्टूडेंट माइनस 1 के, तो माइनस 1 स्टूडेंट आपके पास आता है होल पावर स्टूडेंट आपके पास 5। उसके बाद स्टूडेंट 1 माइनस माइनस प्लस आपके पास 3 होल पावर स्टूडेंट आपके पास 5। 1 प्लस 3 स्टूडेंट 4 4 पावर 5 स्टूडेंट आपके पास 1024। यही स्टूडेंट हमारा क्या आंसर। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका पार्ट हमारे पास थर्ड पार्ट 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर स्टूडेंट आपके पास क्या 3। इसका सॉल्यूशन आप लोग स्टूडेंट देख सकते हैं 9 4 स्टूडेंट कॉमन ले सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में नहीं रह जाता है होल पावर 3 इन दोनों में से। स्टूडेंट 9 प्लस 4 स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की स्टूडेंट वैल्यू माइनस 1 आपके पास होल पावर 3। स्टूडेंट 9 प्लस माइनस माइनस 4 होल पावर स्टूडेंट आपके पास 3, 9 माइनस 4 स्टूडेंट 5 होल पावर 3 और ये स्टूडेंट आपके पास 125 के इक्वल होता है और यही स्टूडेंट हमारा क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में से स्टूडेंट आपके पास एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास एक आता है वो आपने अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट आपके पास है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर 3 माइनस 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर। जी स्टूडेंट यहां से इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, इन दोनों में स्टूडेंट अगर हम लोग 2 कॉमन लें रिमेनिंग क्या बच जाता है 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर सेम। इन दोनों में से स्टूडेंट हम लोग कॉमन करेंगे 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाता है और ये माइनस 3 ओमेगा आपके पास सेम। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं 2 1 प्लस ओमेगा स्टूडेंट आपके पास किसके इक्वल होता है
ये स्टूडेंट आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल। ये यहां पे आपके पास ये दो फार्मूलास लिखे भी हुए हैं आपके पास। तो स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट माइनस ओमेगा। जी स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप देखेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, माइनस थ्री ओमेगा, माइनस थ्री ओमेगा। यहां से स्टूडेंट ये ऐड हो के आपके पास माइनस फोर ओमेगा स्क्वायर बन जाता है माइनस टू माइनस टू माइनस फोर। यहां से स्टूडेंट माइनस थ्री माइनस सिक्स ओमेगा बन जाता है स्टूडेंट आपके पास। स्टूडेंट ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपके पास, फोर सिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 24, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट ओमेगा पावर 3। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं 24 ओमेगा 3 स्टूडेंट आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के। आप लोग ये देख सकते हैं आपके पास ये फार्मूला भी है। तो स्टूडेंट यहां से आपका आंसर क्या आ जाता है 24, और यही क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फिफ्थ पार्ट आपके पास है। जी स्टूडेंट हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, माइनस वन प्लस के रूप माइनस थ्री स्टूडेंट, ये आपके पास किसके इक्वल है, आप यहां से ये देख सकते हैं टू ओमेगा के इक्वल है, तो इसकी जगह स्टूडेंट आपके पास टू ओमेगा आ जाता है होल पावर सिक्स। ये स्टूडेंट आपके पास किसके इक्वल है, टू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो यहां पे टू ओमेगा स्क्वायर लिख दें होल पावर सिक्स। यहां पे साथ में मेंशन भी कर लें माइनस वन प्लस के रूट माइनस थ्री आपके पास टू ओमेगा के इक्वल है, और स्टूडेंट माइनस वन माइनस के रूट थ्री आपके पास टू ओमेगा स्केयर के इक्वल है। उसके बाद स्टूडेंट यहां से आप लोग देख सकते हैं टू पावर सिक्स स्टूडेंट आपके पास 64 ओमेगा पावर सिक्स, सॉरी स्टूडेंट यहां पे आपके पास प्लस है दरमियान में, प्लस मेंशन कर लें प्लस का साइन। अगेन टू पावर सिक्स स्टूडेंट आपके पास 64 ओमेगा स्केयर की पावर सिक्स स्टूडेंट आपके पास ओमेगा पावर 12। उसके बाद स्टूडेंट यहां से देख सकते हैं आप लोग 64 अगर हम लोग कॉमन कर लें रिमेनिंग क्या बच जाता है ओमेगा पावर 6 प्लस ओमेगा पावर 12। 64 स्टूडेंट ओमेगा पावर 6 को लिख सकते हैं, ओमेगा 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ओमेगा पावर 12 को भी ओमेगा 3 की पावर स्टूडेंट आप लोग क्या लिख सकते हैं 4। 64 स्टूडेंट ओमेगा 3 किसके इक्वल है 1 के, 1 की पावर कुछ भी हो 1, ओमेगा 3 भी 1 के इक्वल, 1 की पावर 4 आपके पास एक दफा लिख लें। यहां से स्टूडेंट आपके पास 64, 1 का आंसर 1 प्लस 1, तो स्टूडेंट यहां से देख सकते हैं 64 इंटू 2 स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाता है, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128। जी स्टूडेंट यही हमारा क्या आंसर है। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका सिक्स पार्ट आपके पास है। माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर टू पावर 9, माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री ओवर टू पावर अगेन 9। जी स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग, स्टूडेंट आपको पता है ये किसकी वैल्यू आपके पास ओमेगा की, और ये किसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की, तो इनकी जगह वैल्यू पुट कर दें ओमेगा पावर 9, ओमेगा स्क्वायर पावर 9, तो ओमेगा पावर 9 स्टूडेंट आपके पास है 2 9s आर 18, ओमेगा पावर 18 बन जाते हैं आपके पास। स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर स्टूडेंट 6।
स्टूडेंट ओमेगा 3 हम लोगों को पता है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास 1 के इक्वल है, 1 की पावर 3, 1 की पावर 6 स्टूडेंट आपके पास ये 1 प्लस 1 स्टूडेंट विच इज इक्वल टू 2, और यही स्टूडेंट हमारा क्या आंसर। नेक्स्ट इसका हमारे पास सेवंथ पार्ट है आपके पास, ओमेगा पावर 37 ओमेगा पावर 38 माइनस 5। ये स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इन ओमेगास को इस पावर में चेंज करना है जिसमें आपका 3 का मल्टीपल बन जाए। 37 3 का मल्टीपल नहीं बनता, 38 भी 3 का मल्टीपल नहीं बनता आपके पास। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा पावर 36 डॉट ओमेगा, अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करें वापस 37 आता है। तो स्टूडेंट इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा पावर 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर, अगर मल्टीप्लाई करें वापस 38 आता है और लास्ट में माइनस 5। स्टूडेंट ओमेगा पावर 36 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 12, 3 डॉट 36 लास्ट में ओमेगा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 12 ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। उसके बाद आप लोगों को पता है ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है 1 के, ये फार्मूला भी है आपके पास। यहां पे स्टूडेंट आपके पास ये 1 के इक्वल है डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5, स्टूडेंट आपके पास ये क्या बन जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ये आपके पास फार्मूला है माइनस 1 के, तो स्टूडेंट ये किसके इक्वल बन जाता है माइनस 6 के, और यही स्टूडेंट हमारा क्या आंसर। उसके बाद स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है एट पार्ट ओमेगा पावर माइनस 13 प्लस ओमेगा पावर माइनस 17। इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले देखें इसको स्टूडेंट हम लोग ओमेगा पावर माइनस 12 डॉट ओमेगा पावर माइनस 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग। इसी तरह स्टूडेंट इसको ओमेगा पावर माइनस 16 डॉट ओमेगा 15 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 3 के मल्टीपल में चेंज करने हैं, माइनस 2 बच जाता रिमेनिंग। तो स्टूडेंट यहां से देखेंगे इसको ओमेगा पावर माइनस 12 को ओमेगा पावर 3 होल पावर माइनस 4, 4 3 जा 12 साथ में माइनस ओमेगा पावर माइनस 1 सेम, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर स्टूडेंट माइनस 5 ओमेगा पावर माइनस 2 स्टूडेंट, ओमेगा 3 की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 1 माइनस 4 डॉट ओमेगा पावर माइनस 1। इसी तरह स्टूडेंट इसकी वैल्यू 1 माइनस 5 डॉट ओमेगा पावर माइनस 2 स्टूडेंट आपके पास, 1 की पावर कुछ भी स्टूडेंट वो आपके पास 1 ओमेगा पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा पावर माइनस 1, यहां पे भी 1 की पावर माइनस 5 1 के इक्वल तो ओमेगा पावर माइनस 2। तो स्टूडेंट यहां से आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये नीचे आके इसकी पावर पॉजिटिव, इसी तरह स्टूडेंट नीचे आके इसकी पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो स्टूडेंट हमारे पास एलसीएम है वो क्या आता है आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर आपके पास ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर स्टूडेंट आपका क्या आ जाता है एलसीएम आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट ओमेगा ओमेगा से कैंसिल एक ओमेगा आ जाएगा प्लस 1। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, या आप लोग स्टेप देख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर के ओवर में स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल रिमेनिंग क्या रह जाता है 1, और यही स्टूडेंट हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। और इसी के साथ स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। This is question number 3, prove that
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। जिस स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं राइट हैंड साइड को लेट कर लेते हैं। लेट राइट हैंड साइड हम लोग के पास है वो आपके पास क्या है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। स्टूडेंट एक्स प्लस वाई आपके पास सेम रहेगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई से उसके बाद स्टूडेंट ओमेगा y मल्टीप्लाई होगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई से। जी स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप देखेंगे आप लोग x प्लस वाई थोड़ा इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग x x से मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट x स्क्वायर x इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ x y ओमेगा स्क्वायर x इससे मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट x y ओमेगा 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 स्क्वायर से ओमेगा क्यूब y। ये वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास रिमेनिंग बच जाती है x प्लस y x स्क्वायर। स्टूडेंट इन दोनों टर्म्स में से हम लोगों के पास x y कॉमन है रिमेनिंग क्या बच जाता है स्टूडेंट आप लोगों के पास ये ओमेगा स्क्वायर था ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्टूडेंट ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है वन के। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखेंगे आप लोग एक्स प्लस वाई जी स्टूडेंट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू क्या होती है आप लोग देख सकते हैं माइनस वन प्लस वाई स्केयर ये वाई स्केयर है आपके पास। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर और स्टूडेंट यही हमारे पास किसके इक्वल होते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई। स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज हमारे पास किसके इक्वल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की और यही स्टूडेंट हमारे क्या है लेफ्ट हैंड साइड और यही हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। और इस तरह स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो थ्री है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके अपना आंसर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज अपना बहुत सा ख्याल रखिए।